हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखिए रजाउल चौधरी ने पूछा है। क्वेश्चन है 10 persons कैन डू, एक्चुअली उन्होंने लिखा था 10 persons डन ए वर्क, तो वही सेम चीज़ है। 10 persons कैन डू ए वर्क इन 18 days, हाउ मेनी मोर persons टू बी एंगेज टू फिनिश द सेम वर्क इन 12 days। 10 आदमी किसी काम को जो है 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है या किया, तो और कितने आदमी की जरूरत है उसमें लगाने की ताकि वो काम 12 डेज में फिनिश हो जाए। इसको हम लोग दो तरह से बनाएंगे, एक यूनिटरी मेथड और दूसरा हम लोग वेरिएशन पे भी चलेंगे। तो दोनों हिसाब से आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंपली आप क्या लिखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बनाएंगे। यदि यूनिटरी मेथड की बात करें, सिंपली हम क्या होगा, इन 18 डेज या चाहे होगा यहाँ पे टू कम्प्लीट द वर्क इन 18 डेज, नंबर ऑफ पर्सन इंगेज इक्वल टू 10, इन 1 डे नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा 10 into 18। देखिए एक दिन में आपको कंप्लीट करना है इसलिए ज्यादा आदमी लगेगा, इसलिए ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, इस चीज को याद रखेंगे। देयरफॉर इन 12 डेज कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे ये हो गया 10 into 18 divided by 12। अब देखिए दैट इज ये आ गया आपका 15, लेकिन हाउ मेनी मोर बोल रहा है वहां पे, इसलिए मोर पर्सन यदि हम बात करेंगे तो ऑलरेडी 10 persons इंगेज करते थे हम लोग, तो 5 more इज नीडेड, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 more नीडेड, ये हो गया। अब यदि इसको वेरिएशन की यदि हम देखें तो क्या होगा, ये पर्सनस है और ये डेज है। देखिए ये persons और ये डेज, 10 persons एंड 18 days, हम हमारा पता नहीं है कितना persons चाहिए, तो हमने x मान लिया दैट इज 12 days। अब क्या होता है यदि ये m और ये n है, तो ये चूंकि देखिए कम दिन, यहाँ पे देखिए यदि जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने कम दिन लगेगा, मतलब एक यदि बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इस तरह का जो वेरिएशन होता है उसको इनवर्स वेरिएशन कहा जाता है। एक यदि बढ़ता है तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि आपस में ये यदि x है ये y है, चाहिए m है n है, तो m into n यानी m1 into n1 इक्वल टू m2 into n2, मतलब ये into ये इक्वल टू ये into ये, दैट इज हो जाएगा 10 into 18 इक्वल टू x into 12, दैट इज x इक्वल टू इसको यदि निकालेंगे 15, और इसको हाउ मेनी मोर चुकी है, तो दैट इज 10 ऑलरेडी है, तो 5 more जो है सो यहाँ पे आपको आंसर होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।